हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए आज का जो चैप्टर आपका है वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। यस गाइस, क्या है आपका चैप्टर? ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस, पहले आप इसी बात को पूरे अच्छे से समझें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और क्या क्या चैप्टर इसके अंदर कवर होंगे आपके। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस प्लस कंडीशन सेंटेंस, तीन चैप्टर्स को मैंने एक साथ कवर किया उस बुक के अंदर, उस टॉपिक के अंदर, सॉरी वीडियो के अंदर। यहाँ भी आपका कुछ इसी तरह का रहने वाला है। पहले तो चैप्टर का नाम समझें आप, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस, ट्रांस का मतलब होता है आर पार, जैसा कि आपको पता ही है। फॉर्म का मतलब होता है रूप, और ये इसको नाउन बनाने के लिए लगाया गया। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस की वह प्रक्रिया जिसमें सेंटेंस का आप रूप बदल दें, लेकिन सेंटेंस का अर्थ ना बदले। एक सेंटेंस की वो प्रक्रिया जिसमें सेंटेंस का रूप बदल जाए लेकिन सेंटेंस का अर्थ ना बदले, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं गाइस उसको? ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता हो आपने अपने इसको अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा, 11th 12th में शायद आपने इसको पढ़ा हो, 9th 10th में शायद आपने इसको पढ़ा हो, कुछ नहीं पता है। हो सकता है आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन मेरा फ़र्ज है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए चलूँ बिल्कुल ऊपर तक। सो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वो पोर्शन जो कि सेंटेंस का रूप बदल दे लेकिन अर्थ ना बदले। लाइक आप इसको ऐसे समझिए गाइस, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर ले रहा हूँ। मैंने कहा आपसे कि मैं सदा सत्य बोलता हूँ। मैंने कहा मैं सदा सत्य बोलता हूँ। बच्चों, हिंदी मेरी थोड़ी रॉन्ग हो सकती है, इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा, इंग्लिश के टीचर हैं भाई। मैं सदा सत्य बोलता हूँ, मुझे इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है इन हिंदी ही, तो मैं करूँगा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। यस गाइस, अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में दोनों का भाव एक ही निकल रहा है, मैं सदा सत्य बोलता हूँ या फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो दोनों सेंटेंस का भाव मीनिंग एक ही है, बस सेंटेंस का रूप बदला है। ओके गाइस, सो यही चीज़ आज आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर आपके कवर होंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, ज़रा उसको देखेगा गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको 3 चैप्टर्स आपके कवर करूंगा। एक चैप्टर तो शायद आपका आपने ना पढ़ा हो ग्रामर में। पहला रहेगा आपका रिमूव टू। क्या रहेगा आपका गाइस? रिमूव टू। इससे एग्जाम में एक नंबर की एरर कन्फर्म है, आनी ही आनी है, 1 मार्क्स की कन्फर्म है बिल्कुल। मेरे से लिखवा लो इस बात को, आज ही लिखवा लो। यस गाइस, रिमूव टू आपका पहला पोर्शन रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। दूसरा रहेगा आपका डिग्री। क्या रहेगा आपका? डिग्री, जिसको हम लोग अपनी भाषा में जानते हैं एडजेक्टिव के नाम से। किस नाम से? एडजेक्टिव के नाम से। और तीसरा यहाँ पर रहेगा हमारा एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव। सो गाइस, इन दो चैप्टर्स को तो मैं रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा, लेकिन ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है जो आपको खूब अच्छे मार्क्स देके जाएगा। स्टेनो में 10 मार्क्स और सीजन में आपको ये 25 या 27 के आसपास मार्क्स देके जाएगा गाइस, 20, क्योंकि ये दो चैप्टर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिला करके 47 मार्क्स तक क्रॉस होते हैं। इनमें से दोनों की संख्या ऊपर नीचे रहती है, कभी किसी के 20 किसी के 27, तो यहाँ पे ये आपको अच्छे मार्क्स देके जाएगा। इसको मैं इसके साथ ही रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा, इससे क्वेश्चन आपको कन्फर्म आना ही आना है। तो आज सबसे पहले मैं रिमूव टू की बात करूंगा। ओके गाइस, रिमूव टू का मतलब क्या है उसको देखिएगा गाइस। पहले पूरी बात आज रिमूव टू की होगी, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। यस गाइस, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन उतना ज़्यादा भी मैं अंदर नहीं घुसूंगा कि चैप्टर थोड़ा लेंथी हो जाए। तो बाकी सब कुछ आप जानते ही हैं, आपको सीखे सिखाए हैं, आपको तो सिर्फ हल्का सा इशारा देना है। गाइस, रिमूव टू मतलब, रिमूव का जो हिंदी मतलब है वो है हटाओ। क्या है? हटाओ टू, यानी कि रिमूव टू मतलब हटाओ टू। सेंटेंस के अंदर जहाँ भी टू होगा आपको उसे हटाना है गाइस। इस तरह की एरर एग्जाम में बहुत आती हैं, एरर की बात बाद में करेंगे, पहले बेसिक्स ले लीजिए अपने हाथ में।
यस गाइस, अब आप ये मत कहिएगा कि अब इतना बेसिक समय क्यों पढ़ा रहे हैं गाइस, यही बेस्ट तरीका है। जब आपके पास बिल्कुल बेसिक्स होंगे तो आप एडवांस भी कर पाएंगे। यस गाइस, फिर चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ के नहीं आएंगे। उसने कहा शी इज टू डल टू पास। गाइस याद रखना, सेंटेंस के अंदर टू और टू का चलेगा पेयर और ये आपको नेगेटिव सेंस देगा। क्या देगा आपको? ये नेगेटिव सेंस, यानी कि सेंस से मतलब सेंटेंस में नोट ना होने के बावजूद भी सेंटेंस का भाव नेगेटिव ही रहेगा, सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव रहेगा। जैसे कि उसने कहा शी इज टू डल टू पास, यानी कि वह इतनी ठप है कि पास नहीं हो सकती, वह इतनी ठप है कि पास नहीं हो सकती। आई एम टू ओल्ड टू रन, मैं इतना बूढ़ा हूँ कि दौड़ नहीं सकता, मैं इतना बूढ़ा हूँ कि दौड़ नहीं सकता। आई एम टू ओल्ड टू रन। शी इज टू वीक टू प्ले गोल्फ, वह इतनी कमजोर है कि गोल्फ नहीं खेल सकती। शी इज टू वीक टू प्ले गोल्फ। सो गाइज, यहाँ पे हमें टू और टू आपको दिख रहा होगा, एग्जाम में इसी बात की एरर आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। गाइज फिलहाल यहाँ पे चीज देखें आप लोग करना क्या है, दूसरा पोर्शन इसका एक और देखें। अब इसी को आपको ट्रांसफॉर्म करना है गाइज, मैं यहाँ पर इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना सिखा दूँ कि ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे इसको। जैसे कि आपने कहा शी इज टू वीक टू पास, वह इतनी कमजोर है कि पास नहीं हो सकती, शी इज टू वीक टू पास। तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे गाइज, ध्यान देना, पहले वाला टू हटा करके हम लोग लगाया करते हैं सो, क्या लगाना है सो, और दूसरे वाला टू हटा करके हमें लगाना है अपनी तरफ से दैट, फिर वही सब्जेक्ट जो यहां पर रहेगा, और कैन नॉट। कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस में, अगर सेंटेंस प्रेजेंट चल रहा होगा तो, और अगर सेंटेंस पास्ट चल रहा होगा तो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट। ओके गाइज, ये रहेगा आपका पास्ट का स्ट्रक्चर और ये रहेगा आपका प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में रहेगा तो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, सेंटेंस अगर पास्ट में रहेगा तो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट। पहले इस बात को आप अच्छे से जान लें, ट्रांसफॉर्म कर लें तीन चार सेंटेंस मेरे साथ में, फिर हम लोग चलेंगे अपनी एरर की तरफ, कंपटीशन की तरफ। उसने कहा शी इज टू वीक टू पास, शी इज टू वीक टू पास, आपको ये टू हटाना है, इसके जगह शो लगाना है सो, शी इज सो वीक दैट, यही सब्जेक्ट आपका यहां आ जाएगा, शी कैन नॉट पास, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट पास, शी कैन नॉट पास। आपने कहा यू आर टू डल टू क्लियर द एग्जाम, तुम इतने ठप हो कि तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, सो यू आर सो डल दैट यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम, यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम। उसने कहा ही इज टू ओल्ड टू रन, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता, यहाँ पे इसको वॉज कर लो इस बार, सो ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन। सो गाइज, ये तो बात रही ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, आपने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया, सेंटेंस को आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म से क्या हुआ सेंटेंस का रूप बदला लेकिन मीनिंग नहीं बदला। यही मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में कि सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का मीनिंग बदलना है, उसका रूप सॉरी रूप बदलना है, मीनिंग नहीं बदलना है गाइज। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना सिखाया पर सेंटेंस को, अभी जरा देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा क्या रहेगा गाइज। दो तरह की एरर इस एग्जाम में आती हैं, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी सेंटेंस
किसी भी प्रकार का छोड़ करके आए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ए अनार से शुरू कर रहा हूँ अंग्रेजी के। यस गाइस, उसने कहा शी इज टू डल। जब सिंगल टू होगा, जब आपका सिंगल टू होगा तब आप ऐसे में क्या करेंगे, समझना गलती किस तरह एग्जाम में आती है। शी इज एक्सट्रीमली डल। हालांकि आप लोग 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आपसे वो ट्रांसफॉर्मेशन कहेगा करके दिखाओ उसका, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ, और बच्चों ये भी बता दूं मैं आपको, ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें आजकल ग्रामर को देने का तरीका 10th 12th वाला रखा है। लाइक अभी बीएड का एग्जाम हुआ था तो वहाँ सेंटेंस को इसी तरह से चेंज करना था, ट्रांसफॉर्म करना था। अभी आपका आर ओ ए आर ओ का फॉर्म आना है 9 सितंबर में, उसके अंदर जो 65 मार्क्स की ग्रामर आएगी उसमें यही लेवल रहने वाला है, सेंटेंस को आपको 10वीं 12वीं की तरह से ही देगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं गाइस कि आपका एसएससी लेवल का ही सब कुछ रहेगा, सभी चीज़ों पर ध्यान और अपनी पकड़ बनाकर रखें, वरना तो फिर आपको फिर से ग्रामर पढ़नी पड़ेगी उसके लिए अलग से। शी इज एक्सट्रीमली डल, या फिर शी इज ओवर डल, या फिर शी इज डल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। सो गाइज, यहाँ पे हमने एक चीज़ जान ली कि इस टू को हटा करके, इस टू को हटा करके हम लोग तीन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है आपका एक्सट्रीमली, क्या है आपका एक्सट्रीमली, दूसरा है आपका ओवर, और तीसरा है आपका बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब एग्ज़ाम में क्या एरर देगा बच्चों, आप लोगों को तो कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, एग्ज़ाम में किस तरह से एरर देगा वो देखिए गाइज। यहाँ पे हम, मैं आपको बता दूँ, इन सभी वर्डों को याद रखिएगा, कॉपी करके नोट्स बनाइएगा। मैंने आपसे बताया है कई बार कि नोट्स बिल्कुल डिट्टो आपको मिले ऐसा मत सोचेगा, आपको खुद से भी कुछ मेहनत करनी है। याद रखना कि टू एक्सट्रीमली ओवर और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि मैंने एक बात जान ली कि ये चारों वर्ड हमें बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहे हैं, ये चारों वर्ड बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहे हैं, टू एक्सट्रीमली ओवर और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यानी कि अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन चारों में से कोई भी दो, इन चारों में से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। यस गाइस, याद रखेगा इन चार वर्ड में से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। जैसा कि मैं आपको अपने पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूं कि सेम फैमिली के, सेम कैटेगरी के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते गाइस, इस बात को खूब अच्छे से याद रखें। सो गाइस, यहां पे टू एक्सट्रीमली ओवर बियॉन्ड ये कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अब एग्जाम में एरर और किस तरह से दी जाएगी वो देखिए ध्यान से, सेंटेंस कुछ इस तरह से एग्जाम में दिए जाते हैं। उसने कहा शी इज टू डल दैट शी कैन नॉट पास। अब हमें यहाँ पे सेंटेंस में एरर फाइंड करनी है गाइस, कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर है। यस गाइस, अगर मैं बात करूँ उसको ठीक करने की तो इसे दो तरह से ठीक किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि आप दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट को हटा करके उसके जगह टू लगा दें, क्या लगा दें, टू। दूसरा तरीका है कि आप इस टू को हटा करके उसके जगह सो लगा दें। दो तरह से आप सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं गाइस, दो तरीके हैं ठीक करने के आपके, सेंटेंस को ठीक करने के। सो दोनों तरीके से ठीक कर सकते हैं सेंटेंस को, लेकिन कब कौन सा तरीका आपको फॉलो करना है ये ध्यान दीजिएगा गाइस। गाइस, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा करके यहाँ पर टू लगाता हूँ तो ये एरर हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल दो पार्ट्स में बटा हुआ है आपका दैट और कैन नॉट, आप इन दोनों को हटा करके टू नहीं लगा सकते, बिकॉज एरर इस तरह से बी और सी दो पार्ट्स में हो जाएगी। तो ऐसे में आपको इस टू को ही हटाना होगा और यहाँ पे सो लगाना होगा, क्या लगाना होगा, सो, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। ऐसी एरर बहुत है एग्जाम में गाइस, बहुत ज़्यादा एरर इस तरह के एग्जाम में आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आ नहीं रही हैं। मैं अब आपको एरर पर ले जा रहा हूँ, पहले बेसिक तैयार कर दिया फिर एरर पर ले जा रहा हूँ। उसने कहा शी इज टू ओल्ड दैट शी कैन नॉट रन। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी, चलो मैं इसको ऐसे भी अगर कर दूँ तब भी गाइज आप इस सेंटेंस के इस पार्ट में एरर नहीं निकालेंगे। यस गाइज,
आप इस पूरे को हटा करके अभी भी आप टू नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखें, क्योंकि आप एक के चक्कर में तीन पार्ट्स को कभी नहीं हटा सकते। आपको एक को हटा करके एक ही वर्ड हटाने की या लगाने की अनुमति दी जाती है एग्जाम के अंदर। आपने टू हटाया, आप सो को लगा सकते हैं, लेकिन आप दैट बैठाएं, आप सी भी हटाएं, आप कैन नॉट बैठाएं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, एक तरीका है और एग्जाम में एरर देने का, वो क्या रहेगा उसको देख लीजिएगा गाइस। जब वो अंडरलाइन कर दे, अगर वो आपको अंडरलाइन कर दे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जरा पूछे कि इस पार्ट में क्या एरर है, तब आपके हाथ में है बहुत सारी पावर। अब आप यहाँ पे इसको हटा करके टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज टू ओल्ड दैट शी कैन नॉट वॉक, वो यहाँ पे कह रहा है कि क्या आना चाहिए, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे दैट शी कुड नॉट आएगा, शी कांट आएगा, या फिर नो एरर है। गाइज एरर तो है, टू के साथ में दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट नहीं लगा करता है। आपको यहाँ पे इसे हटा करके सिर्फ और सिर्फ टू का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, टू का इस्तेमाल आपको इसे हटा के करना होगा। शी इज टू ओल्ड टू वॉक, अब आप इस सेंटेंस के इस पार्ट में एरर निकाल सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है, जब आपसे कहा जाए तब आप वैसे इसमें एरर नहीं निकालेंगे। यानी कि इस सेंटेंस को अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हिसाब से दिया जाए तब तो आपकी मजबूरी है कि आप यही एरर निकालेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हिसाब से एरर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ अब आप इसके अंदर टू लगाएंगे और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, ऐसे ही सेंटेंस में और देखिएगा। शी इज सो वीक टू वॉक, शी इज सो वीक टू वॉक। अब यहां पे हम लोग इस सो को देखते हुए टू हटा करके दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट नहीं लगा सकते, ये करना गलत होगा। आप एक वर्ड हटाइए, उसके लिए एक ही वर्ड लगाइए, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर निकालेगा। हो सकता है बच्चे सोच सकते हैं कि एरर तो इस पार्ट में भी हो सकती है, लेकिन नहीं लगाएंगे। आपको यहाँ पे एक वर्ड हटा करके तीन वर्ड लगाने होंगे जो कि रॉन्ग होगा। एक वर्ड हटाइए, एक वर्ड लगाइए जो कि करेक्ट रहेगा। और देखेगा गाइस, उसने कहा शी इज टू वीक और उसने यहाँ पे दे दिया आपको अंडरलाइन। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आएगा यहाँ पे, एक्सट्रीमली पहला ऑप्शन, टू दूसरा ऑप्शन, सो तीसरा ऑप्शन, या वी वेरी डी ऑप्शन। शी इज टू वीक, वह बहुत ज़्यादा वीक है। सो मुझे ये कन्फर्म है कि मोस्टली स्टूडेंट तो यहाँ वेरी लगाएंगे, मुझे जो कन्फर्म है पक्का मुझे पता है वेरी ही लगाएंगे बच्चे, क्योंकि हो सकता है आप में से भी कईयों का जवाब मुझसे पूछा जाए, सवाल पूछा जाए कि सर यहाँ पे वेरी क्यों नहीं आया। गाइज नॉर्मल केसेस में ध्यान रखें कि टू बुराइयों के लिए और वेरी अच्छाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू बुराइयों के लिए और वेरी अच्छाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी क्वालिटीज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरी का, और बुरी क्वालिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू का। सो गाइज यहाँ पे वेरी तो कम से कम मत लगाएं। उसके बाद आपको पता ही है गाइज, मैंने आपको पढ़ाया है कि टू हटा करके आप लोग ये चार वर्ड सेम फैमिली के हैं आपके, टू एक्सट्रीमली ओवर और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप इन चार में से किसी भी एक शब्द को एक जगह एक दूसरे की जगह लगा सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगे। फिलहाल यहाँ पे अंडरलाइन किया है टू को, तो आप एक्सट्रीम लगा देंगे। हालांकि दिया गया सेंटेंस भी ठीक है, आप उसको गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन ये इसका एक अल्टरनेटिव है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में वो अल्टरनेटिव भी पूछ लेता है आपसे, तो यहाँ पर ये इसका अल्टरनेटिव है। ओके गाइज, तो रिमूव टू से आपकी इसी तरह की एरर आएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला हिस्सा आपका यहाँ ख़त्म होता है गाइज। नेक्स्ट हिस्से पे चलेंगे हम लोग इसके डिग्री पर। ट्रांसफॉर्मेशन का जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका डिग्री, यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव जो कि आपका रहेगा नेक्स्ट प्रोसीजर ट्रांसफॉर्मेशन का। हम लोग बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के नेक्स्ट प्रोसीजर जो कि रहेगा आपका डिग्री या एडजेक्टिव पर, जिसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। ओके गाइस, सो फिलहाल तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।